दोस्तों यहाँ से पड़ाव होता है वसुधारा का और यहाँ पे भीम भगवान जी हैं और युधिष्ठिर भगवान जी हैं। स्वर्ग जाने का रास्ता है ये, स्वर्ग ही स्वर्ग है दोस्तों। हमारे लिए तो यहीं पर से स्वर्ग स्टार्ट हो चुका है। क्यों बाबा मारा स्टार तो स्वर्ग स्टार। बेटा टमाटर, ये टमाटर है? टमाटर नहीं है, क्या है ये? बेटा आज मत खाओ, ठीक है? कुछ भी हो सकता हो, टमाटर नहीं है। नहीं आप मैंने खा दिया, वो क्या हो? ऐसे नहीं खाते, ऐसे नहीं खाते, ठीक है? बाय बाय बाय। दोस्तों यहाँ पर जो है कि त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर भी है और यहीं से पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर तो थोड़ा बहुत जो है कि सिंपल सा रास्ता है और इसी रास्ते पे पांच पांडव जो है कि स्वर्ग की तरफ गए थे इन सीढ़ियों की तरफ। और अभी रास्ते में वैसे तो काफ़ी ट्रैकर्स देखने को मिल रहे हैं और माणा गांव से ये ट्रैक 5 किलोमीटर का है। कहीं कहीं पे खड़ी चढ़ाई भी है और यहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी भी है, लेकिन मैं इस स्वर्ग की सीढ़ी मतलब अभी स्वर्गारोहिणी की तरफ जा रही हूँ। और अगर मैं नहीं भी जा पाई ना दोस्तों तो यहाँ से स्वर्ग शुरू हो जाता है, मैं समझूंगी कि मैं स्वर्ग में हूँ। और वैसे भी ये नारायण की भूमि है यार, भगवान की तो हर भूमि स्वर्ग के समान होती है। तो जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। तो अभी मेरी यात्रा अकेले हो रही है, तो कहा जाता है कि इसी रास्ते पर पांच पांडव स्वर्ग की ओर गए थे और हर पांडव जो है कि बीच बीच में पहुंचते पहुंचते हर एक पांडव ने अपना दम भी तोड़ा था। किसी व्यक्ति पर पड़ती है तो कहा जाता है कि वो इंसान पापी नहीं है, और ये भी कहा जाता है जिन पर नहीं पड़ती है वो इंसान पापी होता है। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने कुछ किया बाकी यहाँ पर से ना दोस्तों अब चढ़ाई शुरू होने लग गई है और सांस भी काफ़ी फूल रही है, ऑक्सीजन की कमी तो है ही यहाँ, बट ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। बाकी मजेदार ट्रैक है, मज़ा काफ़ी आ रहा है, बने रहिए ब्लॉग में। मैं भी यहाँ पर एक भट्टी बना के जाऊंगी यार। मेरी नींव कुछ ये है, लेकिन नहीं बाबा भले, चलिए इतनी ठीक है, एक दो तीन चार सात भी यार सात तक। ये काफी है, सात पीढ़ी तक पड़ सकता है। हर हर महादेव, मुझे लगा गिर जाएगा बट गिरा नहीं। तो दोस्तों ये स्वर्गारोहिणी की यात्रा में केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग के मार्ग में यानी कि स्वर्ग के पथ पर सीढ़ियों पर चढ़े थे, बाकी लास्ट में भीम भगवान ने भी अपना जो है कि प्राण त्याग दिए थे।
दोस्तों अब जो चढ़ाई है ना वो खतरनाक वाली चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। अब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आई थिंक हम जल्दी पहुँच जाए, जल्दी आ जाए, बट जो है कि सांस तो फूल रही है, मुझे पानी प्यास भी लग रही है और कुछ भैया लोग पीछे पानी पी रहे हैं, उनको देखकर मुझे और ही प्यास लग रही है। गाइस बहुत थकान लग गई है, उधर साइड से आप देख सकते हैं मौसम भी खराब होने लग गया है और गाइस मैं जो हूँ कि अकेला हूँ, सांस भी बहुत फूल रही है। भले ही यहाँ ठंडी हवा तो चल रही है लेकिन अकेले में डर तो लग ही रहा है, जानवर कभी भी आ सकते हैं। ये गाना मैंने अपने फ़ोन पे लगा रखा है क्योंकि ये गाना ही मुझे हिम्मत दे रहा है भोलेनाथ जी। तो चलिए थोड़ा सा हवा खा लेती हूँ, बाकी यहाँ शांति भी मिल रही है काफ़ी। और मैंने प्रण किया था कि मैं अकेले जाऊँगी वसुंधरा तक और अकेले ही आई हूँ, कोई मेरे साथ है नहीं, पीछे आप देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। बाकी जो ट्रैकर्स तो काफ़ी मिल रहे हैं बट मैं अकेले ही यात्रा कर रही हूँ, तो चलो मैं भी आगे बढ़ती हूँ। अब सीधा मैं जो है कि थक गई हूँ, सीधा वसुंधरा फॉल पे ही मिलूंगी आपको।